पति राम जी को। तुम तो कह रहे मरने का टाइम आ गया, 15 साल की अभी तुम मोहन ला पा रहे हो। कोई हटा ही नहीं सकता। हाँ अब क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो चुके हैं, मैंने सबकी बात सुन ली है। क्या क्या सुना? मैं कि 15 साल अभी कभी नहीं हिल सकते। तो जो 15 साल है इसमें राम राम किया करो, ठेके वाले चक्कर बंद कर दो। ठेका का चक्कर तो मैं नहीं लगाता, ठेके वाले हमारी पूजा करते हैं कि अगर अच्छा रोज वो पूछ के जाते हैं कि आप नहीं आओगे तो मेरा ठेका नहीं चलेगा। अब मैं नहीं जाता, मीटर बना के ना उसका फ्लोट, मैं ठेके के पास नहीं जाता। ये जलन ना मेरा बनता है ना, बड़ा है, बंदे भी रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये देख लो ठीक है। बोलते हैं मंकी वा मंकी वा का फिर से बंद समझे। हाँ जी कल से बंद है, फिर लगभग डेली बंद, लगभग नहीं पूरी बंद, सुबह 7 बजे से और रात 10 बजे तक बंद है, बंद है। उसके बाद ठेका खुला, जाओगे तो 100 रुपए वाली बोतल मालवा की आपको 400 रुपए में देंगे। यही ठेके वाली की कमाई है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी ये बताओ, ये निखिल की किताब कितने की है? निखिल की किताब लगभग लगभग नहीं नहीं सुन यार, इतना मारा की किताब नहीं हूँ। बच्चों की किताब का रेट अभी आप सोच रहे हो, हमारा काल मालवे का रेट लगभग कितने का? अब 51,121 रुपए की हो सकती है। तो ये बात है कि इसका तुम्हें आइडिया तक नहीं है किताबों का, जो काम आने वाली बच्चों की चीज है। जो बच्चे जिससे परेशान हो रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं, तो उसका तुम्हें रेट एक एक ब्रांड। आप अपने बच्चों से पूछिए कि कितने साल आपके बच्चे यहाँ रह रहे हैं। हाँ। और उतने मैं आपके बच्चों के साथ मैंने क्या किया, कितनी बार तुमने उसको रुपया ले लिया कि जाओ बेटा पेंसिल लेके आओ, कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ, सबको अंदर दिए नहीं। ठीक है जी, ये भी बात आप ये हमका ही बता दियो, हड्डी चुसवाए वो मछली खवाए वो कब्बो कहे वो नहीं खाए, लियो 5 रुपया ले जाओ जाके पेन ले आओ। तो मांगते ही नहीं बच्चे, मांगते ही नहीं। तो मछली मांगते हो? तो गद्दी मेरी है। नहीं मछली भी नहीं मांगते, हमारे बच्चे भी नहीं मांगते हैं। तो मांगे तो तब ना, जब मांगने की हालत में घर में आते हो तो हुआ हो जाती है, तो बेचारे पेंसिल मांगेंगे। तो गद्दी किसकी है? आपकी। घर में रहूं? बिल्कुल आओ बच्चों के साथ, उठो बैठो, यहाँ कितना पेड़ लगे हैं घर में, क्या चाहिए कभी पूछा है बच्चों को? बच्चे यार क्योंकि मैं वो हूँ, क्या हूँ, राम भक्त, जोगी भक्त और अमित शाह भक्त, जिसको आप गरिया रहे थे ना, आज तक भी कॉपी पेंसिल लेके आता था बच्चों के लिए कभी मांगा मेरे को वो नहीं मांगा। हम अपने के टाइम पे कागज बच्चों का कभी बच्चों बाप का फर्ज होता है, बच्चों का नहीं होता। बलसु का नाम लिया कि बलसु गत है, शिवांश का नाम लिया कि शिवांश गत है, ऋतु का नाम लिया कि ऋतु गत है। ये झूठ बोलती है ये लड़की, अपने मैं इसके चौहर हाल ही नहीं है, मैंने कभी इसका मुंह खोल करके देखा क्योंकि मुद्दा गरम है, मुद्दा गरम है। इतने तक ही रखो खाना पीना खाके पर आराम से, यार हमें जरूरत ही नहीं है यार, इसके ऊपर मत जाना। इसके ऊपर मैं क्यों जाऊंगा? जैसे बेचार लेवल की बात कर रहे, जितना भी चढ़ा गया है उससे लेवल आप मत करना, इतना लेवल झेला जाता है, बात कर रहे हो। ये भी मैं सवाल कर रहा हूँ, बस बनने वाला, अभी सिटी बजी अभी बनने वाला है। देखो जी मिल और जुड़ी सरकार चल रही है,
शाम को आके बच्चों की कॉपी किताबें और काम चेक किया करो। इतने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, तुमने सिर्फ कॉपी चेक करनी है, फाड़े तो नहीं है, चीरे तो नहीं है, गोदे तो नहीं, इतना तो पढ़े लिखे हो। हाँ ये भी बात सही है। इतना कर लिया करो बस। तो अगर क्योंकि पेंसिल टूट हुआ, क्योंकि शॉर्पनर खराब हुआ, वो चीज तुमने लेके आना अगले दिन। इतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है, दादा का फर्ज है, वो बनता है। आपका नाना मैं कहां से बन गया? मैंने कब बोला नाना? मैं तो दादा की फर्ज बता रहा हूँ। पापा उसको छोड़ के आते, कापी किताब ला के देते, लेकिन पेंसिल चेक करना कापी पटी है कि नहीं पटी है आपका फर्ज है। जब ये चढ़ा रहे थे ना जेल, तो ये दादा का फर्ज होता है। अब इतना पढ़ा लिखा हो तो मैं खुद जेल तो चढ़ा सकते हो। अब ये इस चीज को संदीप अपनी मम्मी को बोले।